नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोलिविया के क्राइसिस के बारे में। बोलिविया जो कि एक दक्षिणी अमेरिका का देश है, वहां पर पिछले एक महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 20 अक्टूबर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और फाइनली वहां के राष्ट्रपति एवो मोरालेस ने रिजाइन कर दिया है। तो आखिर क्या रीजंस थे कि 14 साल से राष्ट्रपति रह रहे एक बहुत ही पॉपुलर साउथ अमेरिकन लीडर को अचानक से इस्तीफा देना पड़ा? सारे रीजंस हम जानेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, सारे रीजंस को हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि इस स्टोरी में मेरे ख्याल से सभी डेमोक्रेसीज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि किस तरह से आप इकोनॉमी को और सोसाइटी को मैनेज करते हैं सरकार के द्वारा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राठौड़.महिपाल, फेसबुक पेज है महिपाल सिंह राठौड़ के नाम से, यहाँ पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर देश के सबसे कठिन एग्जाम आईएएस की तैयारी कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट कीजिए। तो ये एवो मोरालेस न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने संडे को इस्तीफा दिया था, दो दिन पहले इस्तीफा दिया और ये अचानक मेक्सिको पहुंच गए। इन्हें मेक्सिको ने पॉलिटिकल असाइलम दिया है, यानी राजनीतिक शरण दी है। इन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है मेरे देश में, इसलिए मैं देश छोड़कर जा रहा हूं और टेम्परेरी बेसिस पे जा रहा हूं। अभी तो इन्होंने यही कहा है। तो इनके कुछ काफी वायरल पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूं। देश छोड़ने से पहले एक ये पिक्चर वायरल हुआ था जिसमें एवो मोरालेस केवल एक चादर बिछाकर जमीन पर नीचे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। और उसके बाद एक प्राइवेट प्लेन उनके लिए मेक्सिको ने भेजा, मेक्सिको की एयरफोर्स का प्लेन था, एयरफोर्स जेट भेजा उनके लिए और उन्होंने अपने हाथ में मेक्सिको का झंडा लिए एक फोटो खिंचवाया था। तो इस स्थिति में इस देश के राष्ट्रपति को भागना पड़ा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एवो मोरालेस कोई तानाशाह नहीं थे, 3 बार डेमोक्रेटिकली चुनकर, चुनाव जीतकर अपने देश के राष्ट्रपति बने थे। लोगों ने उन्हें बहुत ही प्यार और बहुत ही सम्मान दिया था, 60% तक वोट अपने इलेक्शन में ये अकेले जीत जाते थे। आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बोलिविया मैप में कहां पर स्थित है। तो ये है दक्षिणी अमेरिका का कॉन्टिनेंट और दक्षिण अमेरिका में पिछले 20 सालों में कई लेफ्ट विंग सरकारें रही है, कई सोशलिस्ट सरकारें रही है। इनफैक्ट अर्ली 2000s में, लगभग 2005-06 के आसपास, ज्यादातर देशों में यहाँ पर लेफ्ट विंग की सरकारें हुआ करती थी और उन्हीं में से एक राष्ट्रपति जो पॉपुलरली चुने गए थे वो थे बोलिविया के एवो मोरालेस। तो बोलिविया एक सेंट्रल साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसका मतलब ये कि ये दक्षिण अमेरिका में भी बिल्कुल मध्य में स्थित है। आप देख ही सकते हैं, लैंड लॉक्ड है, इसको समुद्र का कोई एक्सेस नहीं है। दक्षिण अमेरिका में केवल दो लैंड लॉक कंट्री है, एक है पैराग्वे और दूसरा है बोलिविया। तो ये है बोलिविया और बोलिविया की खास बात यह है कि इसमें दो कैपिटल हैं, बोलिविया के दो कैपिटल हैं, एक है लापाज और दूसरा है सुक्रे। तो लापाज जो है वहां पर स्थित है उनकी एग्जीक्यूटिव और सुक्रे में स्थित है जुडिशरी। तो सुक्रे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है सारे देश के, जुडिशरी हाईएस्ट वहां पर सिचुएटेड है और लापाज में गवर्नमेंट का जो सीट है, गवर्नमेंट की जो सीट है एग्जीक्यूटिव की, वो लापाज में है। और लापाज दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल है, बहुत ही ऊंचाई पर एंडीज पहाड़ों में स्थित ये शहर है लापाज, और सबसे बड़ा शहर है सांता क्रूज दे ला सियरा। तो देखिए, बोलिविया की एक तो ज्योग्राफी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इधर तो आ जाते हैं पहाड़, एंडीज पर्वतमाला में देश का काफी हिस्सा स्थित है, फिर यहाँ पे ये प्लेन्स वाला एरिया है जो अमेजोन बेसिन में स्थित है, ब्राजील से बॉर्डर करता हुआ। तो इसलिए देश की जो ज्योग्राफी है वो काफी अलग अलग तरह की है और बहुत सारे लोग, एथनिसिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। मल्टी एथनिक देश है बोलिविया। और जहां पर एवो मोरालेस को शरण मिली है वो है मेक्सिको। तो मेक्सिको में भी एक लेफ्ट विंग सोशलिस्टिक सरकार है, तो मेक्सिको फेमस है इस एरिया में। मेक्सिको कई राष्ट्राध्यक्षों को शरण दे चुका है पहले भी, जो खास करके साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिकी देशों से आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी एथनिक सिटीज हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। मेस्टिसो वो लोग होते हैं जो मिक्स्ड लोकल अमेरिकन, यानी कि वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके और जो यूरोपियंस वहाँ पर आए थे उनके, दोनों के मिक्स्ड जो रेस है, एथनिक सिटी है, वो मेस्टिजो कहलाती है। और इंडिजिनस पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, 20% इंडिजिनस है। वैसे आप कह सकते हैं कि ये पूरे ही एक तरह से इंडिजिनस ग्रुप है, लगभग 80% लोग वहाँ पे या तो इंडिजिनस हैं या फिर इंडिजिनस प्लस यूरोपियंस का मिक्स्ड है। और 5% आबादी वहाँ की अभी भी वाइट है या फिर कह सकते हैं यूरोपियन डिसेंट की है। तो ये है लापाज और सुक्रे, दो कैपिटल है ये ध्यान रखना। और 36 भाषाएं, इंडिजिनस भाषाएं वहाँ पर है। तो एक मल्टी एथनिक देश है, अलग अलग एथनिसिटीज़ हैं और इस तरह के लोग बोलिविया के आप देख सकते हैं। वहाँ की हैट्स बहुत ही फेमस हैं। और एवो मोरालेस की खास बात ये थी कि वो भी इस इंडिजिनस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और 200 साल के बोलिविया के आज़ाद इतिहास में एवो मोरालेस पहले राष्ट्रपति थे जो इंडिजिनस थे, जो अमेर इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। अमेर इंडियंस कौन होते हैं? जो अमेरिकन और इंडियंस, यानी कि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, नेटिव इंडियंस जिन्हें कहा जाता है, उसे वहाँ कहते हैं अमेर इंडियंस समुदाय। तो इस समुदाय को बिलोंग करते थे, हैं एवो मोरालेस।
तो बोलिविया की आबादी कितनी है? लगभग 11 मिलियन, 1 करोड़ 14 लाख के आसपास आबादी है, 2019 के एस्टिमेट्स हैं। 1825 में ये देश आजाद हुआ था स्पेन से, और सिमोन बोलिवार जो कि एक क्रांतिकारी नेता थे साउथ अमेरिका के, उन्होंने कई देशों को आजादी दिलाई, उन्हीं के पीछे देश का नाम है बोलिविया, सिमोन बोलिवार के पीछे। तो 1825 से ये देश आजाद है, यहाँ पे मेस्टिसोस, यूरोपियंस, एशियन, अफ्रीकन्स, कई अलग अलग डिसेंट के लोग रहते हैं। अब हम बात करते हैं एवो मोरालेस की। एवो मोरालेस एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर हैं पॉलिटिक्स में बोलिविया की। इन्होंने कई सालों तक लोकल यूनियंस को लीड किया था, जो कोका की खेती होती है। कोका वही चीज़ है जिससे कोका कोला बना था इनिशियली, और जिससे कोकेन भी बनता है। तो कोका वहाँ का एक बहुत ही फेमस क्रॉप है बोलिविया का, और कोका के जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके ये कई सालों तक लीडर थे, इंडिजिनस लीडर थे, इंडिजिनस कम्युनिटी है, क्योंकि यही समुदाय है जो इस कोका की खेती करते हैं। तो 2006 में जब ये अपना पहला चुनाव जीते थे, तो एक बहुत हैरानी भरा ये रिजल्ट था। इतने लंबे इतिहास में बोलिविया में कोई भी इंडिजिनस व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन पाया था, लेकिन इन्होंने प्रेसिडेंट बनकर काफ़ी अच्छे काम किए, गरीबी को बहुत कम किया है बोलिविया में, और बोलिविया की इकोनॉमी कंटिन्यूसली पिछले 12 साल से ग्रो कर रही है इनके अधीन। लेकिन इनके खिलाफ पहले जो प्रोटेस्ट हैं वो तब शुरू हुए जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करना शुरू किया। इन्होंने संविधान के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, वहाँ के संविधान ने 2 टर्म लिमिट सेट करी थी, उसको इन्होंने तोड़कर फिर से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी। तो आगे उसकी कहानी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी की। देखो, सारा मूल मुद्दा इकोनॉमी का है। बोलिविया एक काफी गरीब देश था, जहां पे पॉवर्टी लेवल्स 2005 में 60% के आसपास थे, लेकिन एवो मोरालेस के लीडरशिप में आप देखिए जीडीपी किस तेजी से ग्रो करी है बोलिविया की। कंटिन्यूअसली जीडीपी ग्रो करती जा रही है, और अभी इसका एस्टिमेट है 44 बिलियन के आसपास जीडीपी है बोलिविया की। और सबसे खास बात यह है कि ये जो ग्रोथ है, ये सारी पिछले 15 सालों में ही तेजी से उभरी है। उसके पहले नॉर्मल सी ग्रोथ रेट्स थी, तो पिछले 15 सालों से, 10-15 सालों से अच्छी ग्रोथ रेट थी, खास करके 2004 से लेकर 2014 के बीच में कंटिन्यूसली 5% ग्रोथ रेट जीडीपी उसके साथ बढ़ी थी। और बोलिविया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट्स हैं वो पूरे लैटिन अमेरिका में हाईएस्ट थी। और सबसे बड़ा जो इनके फेवर में जो फैक्टर है, जो काम करता था लगातार इन्हें चुनाव जिताता था, वो ये कि इन्होंने गरीबी को बहुत कम कर दिया था। जब ये सत्ता में आए थे तब 60% बोलिविया गरीबी रेखा के नीचे था, और 2018 का एस्टिमेट है कि 35% है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है गरीबी को, और इसमें भी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है वो तो और कम हो चुकी है। तो ये पॉवर्टी फिगर्स हैं, ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं बाय द वे। एवो मोरालेस तो और ज्यादा फिगर्स क्लेम करते हैं, लेकिन ये तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये फिगर्स हैं। तो आप मान सकते हैं कि एटलीस्ट वर्ल्ड बैंक के फिगर्स न्यूट्रल हैं। तो आधी पॉवर्टी करने के कारण ये सोशली बहुत, पॉलिटिकली बहुत ही पॉपुलर नेता है बोलिविया के। लेकिन बोलिविया अभी भी लैटिन अमेरिका का दूसरा सबसे गरीब देश है, क्योंकि जो दूसरी इकोनॉमीज हैं वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग थी, बोलिविया को काफ़ी पीछे से शुरुआत करनी पड़ी थी। लेकिन 2014 के बाद से एवो मोरालेस के खिलाफ जो ये टाइड है थोड़ी सी टर्न हो रही थी, लोग इनके हल्के से खिलाफ होने लगे 2014 से ही। रीज़न क्या है? देखो, एक तो बोलिविया की इकोनॉमी नेचुरल प्रोडक्ट्स और माइनिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी बोलिविया की इकोनॉमी मेनली माइनिंग, जैसे कि सिल्वर है, टिन है, इनकी माइनिंग करी, बेच दिया। तो अभी तक इनके इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस बहुत हाई थे, तो बोलिविया अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन बाद में जब इनके प्राइसेस लो आए तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम होने लगा। तो ग्रॉस पब्लिक डेट है 38% से बढ़कर 53% हो चुका है पिछले 5 सालों में। जो सेंट्रल बैंक की फिस्कल सेविंग्स हैं वो 24 से 13% तक आ चुकी हैं जीडीपी के। और इंटरनेशनल रिजर्व जो है उनके, यानी जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं हमारे देश में, तो ये 15 बिलियन डॉलर से घटकर 8 बिलियन डॉलर रह चुके हैं 2019 तक। तो आप देखिए ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं। तो पिछले 5 सालों से इकोनॉमी में थोड़ा सा डाउनटर्न आया है। तो 10 साल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से इकोनॉमी में नीचे डाउनफॉल आ रहा है। और इसी के साथ साथ इवो मोरालेस की पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक बहुत बड़ा रीजन था कि जब ये सत्ता में आए थे तो ये इंडिजिनस लोगों के चैंपियन माने गए थे, लेकिन वही इंडिजिनस लोगों ने आकर ये देखा कि जब ये प्रेसिडेंट बने हैं तो इन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया, जगह जगह माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। तो इंडिजिनस लोग कहते हैं कि आप इतने माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मत दीजिए कि जिससे हमारा पूरा पर्यावरण ही खराब हो जाए, क्योंकि हम तो नेचर पे डिपेंडेंट हैं। तो जिन लोगों के दम पर ये चुनाव जीते थे वो लोग इनसे थोड़े से नाराज होने शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने एनवायरमेंट की कदर ना करते हुए कई सारे जंगल कटवा दिए। इनफैक्ट कुछ महीने पहले बोलिविया और ब्राजील में अमेजोन में जो बहुत बड़ी आग लगी थी उसके पीछे भी ये, उस समय भी इन्होंने कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए थे जिसमें माना गया कि बोलिविया की सरकार आग नहीं रुकवाना चाहती है, वो चाहती है कि जंगल साफ हो जाए। 2011 में इन्होंने अमेजोन के थ्रू एक हाईवे बनाने की कोशिश करी, और उसके खिलाफ लोग पहली बार इनके खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे थे। वो पहला प्रोटेस्ट था जो एवो मोरालेस ने अपने करियर में देखा था, और उसके बाद से कई और प्रोटेस्ट हो चुके हैं एनवायरमेंट लॉज को लेकर। फिर एक और बात है
जैसे जैसे जो गरीब लोग हैं वो मिडिल क्लास बनते गए, मिडिल क्लास बनने के बाद उन्होंने ये देखा कि हमारे लिए मिडिल क्लास में जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है जितनी सरकार बताती आ रही है, तो मिडिल क्लास भी इनसे थोड़ा सा डिसएंचेंटेड हो गया है, इनका जो मोरालिस पे भरोसा था वो थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि जब कोई गरीब व्यक्ति मिडिल क्लास में आता है, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है हर इकोनॉमी में। आप ये देखेंगे जो न्यूली डेवलप्ड मिडिल क्लास होता है ना, वो अल्टीमेटली लेफ्ट विंग या सोशलिस्ट सरकारों के खिलाफ हो जाता है और सत्ता परिवर्तित हो जाती है। ये एक साइक्लिक पैटर्न है आप अगर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में ध्यान देंगे। तो यही बोलिविया में भी हो रहा है कि जो नया नया मिडिल क्लास है, 30% लोग जो गरीबी से ऊपर उठकर अब मिडिल क्लास में आए हैं, वो मोरालिस के खिलाफ हो रहे हैं। फिर 2019 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, करप्शन का। लोगों के बीच में एक ये बात पैठ जमा गई है कि एवो मोरालेस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया, कोई स्ट्रांग कदम इन्होंने नहीं उठाया है। और जो इनकी लेफ्ट विंग पॉलिसीज हैं, तो जो बोलिविया का मिडिल क्लास है वो इन्हें अब टू रेडिकल समझने लगा है। यानी मिडिल क्लास का ये मानना है कि जो इनकी सोशलिस्ट और लेफ्ट विंग पॉलिसीज हैं जिनके कारण खुद मिडिल क्लास ऊपर उठकर आया है, उनका मानना है मिडिल क्लास का कि अब ये पॉलिसीज बहुत ज्यादा रेडिकल हैं, थोड़ा सा समय आ गया है कि परिवर्तन किया जाए पॉलिसीज में, थोड़ा सा सोशलिज्म से दूर आया जाए। 2009 में एक नया संविधान आया बोलिविया में, यही लेकर आए थे एवो मोरालेस, इसे लेकर आए थे। इस संविधान में पहला तो इन्होंने बोलिविया के जो इंडिजिनस ग्रुप्स हैं उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी, आरक्षण लेकर आए, उससे लोग खुश हुए। फिर इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के लिए ही दो टर्म्स फिक्स कर दिए, यानी कोई भी बोलिविया का राष्ट्रपति तीसरी बार नहीं बन सकता है, केवल दो बार बनेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम देखा गया, क्योंकि जनरली साउथ अमेरिका और अफ्रीका में देखा जाता है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं पावरफुल हो जाते हैं वो सत्ता छोड़ते ही नहीं है, तो लोग उनसे और खुश हो गए कि ये तो बहुत ही डेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं। लेकिन 2016 आते आते एवो मोरालेस का जब सेकंड टर्म खत्म होने वाला था, देखो पहला टर्म जो है ना, पहला चुनाव इनका वो जीते थे जब ये नया संविधान नहीं आया था, उसके बाद नया संविधान आने के बाद ये दो चुनाव और जीत गए, तो तीसरा टर्म इनका चल रहा था जब इन्होंने 2016 में अपने ही इस संविधान के खिलाफ एक रेफरेंडम कराया। इन्होंने लोगों से कहा कि मैं ये टर्म लिमिट्स हटवाना चाहता हूं क्योंकि मुझे और काम करना है बोलिविया के लिए, अभी कम से कम मुझे एक टर्म और चाहिए। तो इन्होंने एक रेफरेंडम कराया, जनता के बीच गए वोट मांगने के लिए, और ये जो रेफरेंडम है ना, इसमें जनता ने इन्हें हरा दिया। 51% लोगों ने ये कहा, बहुत ही नैरो विक्ट्री थी, लेकिन स्टिल 51% लोगों ने ये कहा कि नहीं, दो टर्म रखिए, हमें तीसरी बार सेम राष्ट्रपति नहीं चाहिए। तो ये इसके खिलाफ कोर्ट चले गए, बोलिविया की टॉप मोस्ट कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि हाँ, दो टर्म से ज्यादा भी चुनाव लड़े जा सकते हैं। तो एवो मोरालेस जो 54% वोट जीत कर आए थे 2005 में, फिर 64% और ज्यादा वोट जीते, 61%, अब 2019 आते आते इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही कम हो गई थी। तो 2019 में अक्टूबर में चुनाव हुए, पिछले महीने 20 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी, और इनके जो मुख्य विरोध में थे वो थे कार्लोस मेसा, ये खुद पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि अब एवो मोरालेस इकोनॉमी को सही से नहीं संभाल रहे हैं, तो इनकी पार्टी इसके खिलाफ बहुत तेजी से इन्होंने कैंपेन बढ़ाया। और एवो मोरालेस जो है, हालांकि वो इतने भी अनपॉपुलर नहीं हुए थे कि बुरी तरह हार जाते, लेकिन इन्हें खुद को लगने लगा था कि शायद चुनाव हार जाएंगे। तो जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए, उस दिन अचानक से रिजल्ट आने रुक गए। जब ये 47% के आसपास थे तो अचानक से रिजल्ट आना रोक दिया गया, और 24 घंटे बाद एकदम से घोषणा करी गई कि हाँ, 47% वोट्स के साथ एवो मोरालेस चुनाव जीत गए, ये वहां के इलेक्शन कमीशन ने घोषणा करी। तो बोलिविया का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है चुनाव का, आप इसे समझना, ये टू राउंड सिस्टम है कि एक राउंड नहीं, यहाँ पर दो राउंड होते हैं। यहां पर अगर किसी कैंडिडेट को सीधे सीधे 50% वोट मिल गए तो फिर वो विक्टर घोषित हो जाएगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि 40-50% पॉपुलर वोट अगर किसी कैंडिडेट को मिलते हैं, और जो डिफरेंस है जो सेकंड व्यक्ति है उसके साथ अगर 10% का डिफरेंस है तो भी वो विक्टर घोषित हो जाएगा। लेकिन अगर एवो मोरालेस को मिलते हैं 47% और कार्लोस मेसा को मिलते हैं 42%, तो फिर चुनाव में एक सेकंड राउंड होगा, फर्स्ट राउंड से वोटिंग में फैसला नहीं आएगा। ये टू राउंड सिस्टम है बोलिविया में, और कई देशों में फॉलो होता है, अफगानिस्तान में भी होता है। तो ये जो टू राउंड का जो सिस्टम है, इसमें जब ये लगने लगा सरकार को कि एवो मोरालेस शायद सेकंड राउंड तक जाएगा, तो सेकंड राउंड जाने से पहले ही चुनाव के नतीजे रोक दिए गए, टेलीकास्ट रोक दिया गया, और अगले दिन ये घोषणा होती है कि ये 47% के साथ चुनाव जीत गए हैं, इसलिए सेकंड राउंड में जाने की, रन ऑफ राउंड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी दिन से इनके खिलाफ आरोप लगने लगे कि इन्होंने चुनाव के जो डेटा है, चुनाव का जो रिजल्ट है, उसमें धांधली करी है, मैनिपुलेशन किया है और फर्जी रिजल्ट निकाले गए हैं। तो हालांकि इन्होंने जीत क्लेम करी, लेकिन जो चुनाव का नतीजों का ब्रॉडकास्ट रोका गया था उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, और कंटिन्यूअसली 20 अक्टूबर से लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हजारों की संख्या में कैपिटल में लोग प्रोटेस्ट करने लगे, और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट स्ट्रांग होते गए। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, जो कि एक रीजनल संगठन है, इनके ऑब्जर्वर्स ने ये रिपोर्ट पेश करी अभी कुछ ही दिन पहले,
कि हाँ चुनाव में धांधली हुई थी। ओएएस को इन्होंने खुद ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया था एवो मोरालेस ने, और ओएएस ने अपनी रिपोर्ट अभी कुछ ही दिन पहले सबमिट करी और ये फाइनल नेल इन द कॉफिन था। जब ये रिपोर्ट आई तो प्रोटेस्ट और ज्यादा तेज हो गए, और इतने प्रोटेस्ट को देखते हुए इनके खुद के मिलिट्री और पुलिस चीफ यानी आर्मी के जो जनरल हैं उन्होंने और पुलिस के देश की पुलिस के हेड ने इनसे कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है, हम अब आपको और सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही मिलिट्री ने इनके पीछे से सपोर्ट खींचा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये मेक्सिको चले गए। अब बोलीविया का जो इतिहास है वो बहुत लंबा कू का इतिहास है, क्योंकि एवो मोरालेस कह रहे हैं ये तो एक मिलिट्री कू है, मेक्सिको की सरकार भी कह रही है कि मिलिट्री के जनरल ने इन्हें कहा है कि सरकार से आप सत्ता छोड़िए, तो ये तो मिलिट्री कू है। बोलीविया में 200 साल में 190 कू अटेम्प्ट हो चुके हैं, 190 कू या फिर रेवोल्यूशंस हो चुके हैं जहां पर सरकार बदली है, और ये एक रिपीटेटिव साइकिल है। जब कभी राइट विंग सत्ता में आता है, कभी लेफ्ट विंग आता है, कभी राइट विंग पॉलिटिकल एलिट्स जो शहरी बेस है जिनका, जिनके जिनके वोटर्स हैं शहरी जनता मिडिल क्लास, कभी वो पावर में आ जाते हैं, और कभी एवो मोरालेस जैसे नेता जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं जिनका जो वोटर बेस है वो रूरल एरियाज में है, कभी वो पावर में आ जाता है। तो ये साइक्लिक जो टर्न है, टर्न ऑफ इवेंट्स है, ये चलता आ रहा है, पूरे साउथ अमेरिका में ये देखने को मिलता है। अब खास बात ये है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कल रात को, कि जेनीन अनेज जो कि वहाँ की डेमोक्रेटिक सोशल मूवमेंट एक ऑपोजिशन पार्टी है इसकी एक लीडर है, इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इन्हें किसी ने शपथ नहीं दिलाई राष्ट्रपति की, लेकिन अचानक से ये राष्ट्रपति पैलेस की बालकनी में आई और रात को इन्होंने ये प्रेसिडेंट का सैश पहना हुआ था, जो भी बोलीविया में प्रेसिडेंट होता है वो ये सैश पहनता है अपने कपड़ों के ऊपर, ये आई और इन्होंने बालकनी से घोषणा करी कि मैं अब राष्ट्रपति हूँ, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये हालांकि वहाँ की जो सेनेट है, वहाँ की जो एक तरह के पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट की ये डेप्यूटी लीडर है, इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है राष्ट्रपति। लेकिन देखना होगा कि क्या इनको सपोर्ट मिलेगा, चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जो एवो मोरालेस की पार्टी है, जो उनकी खुद की सोशलिस्ट पार्टी है, वो इनके खिलाफ है, तो सोशलिस्ट पार्टी का सपोर्ट नहीं है। और ये देखना होगा अगले कुछ दिनों में कि मिलिट्री इन्हें सपोर्ट करती है या नहीं। हालांकि जेनीन अनेज ने ये कहा है कि मैं 90 दिनों के अंदर अंदर फिर से चुनाव करवाऊंगी, 90 डेज के अंदर फिर से बोलीविया में इलेक्शंस होंगे। तो ये थी बोलीविया की कहानी, आई होप आपको इसमें से कुछ अच्छे डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेसन मिले होंगे। मेरे ख्याल से बोलीविया की स्टोरी को हर देश को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ